अगर किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहा है तो ये पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में जुट जाती है। ये बात 100% राइट है, सच है, जो प्रूफ करती है आज की सक्सेस स्टोरी जो मेरी बहन कृष्णा ने भेजी है। कृष्णा एक स्टूडेंट थी जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया था, उन्होंने उनकी स्टोरी बताई। उनकी स्टोरी बहुत दुखद थी। खेद है कि मैं सारी चीज़ें रिवील नहीं कर पाऊँगा। स्टिल मैं बहुत सराहना करता हूँ कृष्णा आपका कि आपने फिर भी ये सक्सेस स्टोरी भेजी और मुझे अवसर दिया कि मैं ये शेयर कर पाऊँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋषभ गौतम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की सक्सेस स्टोरी में। आज की सक्सेस स्टोरी आपको बहुत मोटिवेट करेगी कि जहाँ 3 साल सगाई टूटने के बाद, रिलेशन टूटने के बाद सिर्फ 3 महीनों में कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से हमारी सिस्टर कृष्णा ने मैनिफेस्ट कर ली फाइनली उनकी शादी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर दोस्तों आप भी किसी प्रॉब्लम से पीड़ित हो, लव प्रॉब्लम खास करके, रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है, तो हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, ज़िंदगी बेहतर नहीं, ज़िंदगी खूबसूरत बनाइए। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आने वाला पूरा मंथ सक्सेस स्टोरीज़ का मंथ है, जहाँ पर मैं सारी सक्सेस स्टोरीज़ ही आपके साथ शेयर करूँगा जो स्टूडेंट्स ने भेजी थी। ऐसी कम से कम अगर मैं वीडियोज़ बनाना चाहूँ तो 1 साल की 365 दिन भी कम पड़ जाएंगे सक्सेस स्टोरीज़ को शेयर करने में। तो पूरे मंथ में कोशिश करूंगा कि ढेर सारी सक्सेस स्टोरीज ला पाऊँ आपके लिए, जो हमारे स्टूडेंट्स ने अचीव की है, जो शिष्यों ने अचीव की है, जो सब्सक्राइबर्स ने अचीव की है, यूजिंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी मदद से आप मोटिवेट हो पाएँ आपकी ज़िंदगी बेहतर नहीं, ज़िंदगी खूबसूरत बनाने के लिए। तो चलिए सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं जो भेजी है हमें कृष्णा ने। कृष्णा लिखती हैं, हेलो ऋषभ भैया, मैं आपकी सिस्टर कृष्णा। रिमेंबर भैया, आपको दिल से शुक्रिया। आपकी वजह से आज मेरे 3 साल से चल रही सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। मेरा कोई भाई नहीं है, लेकिन जिस दिन आपने कहा था कि आप मेरी सिस्टर हो, मैंने कभी महसूस नहीं किया कि गॉड ने मुझे कोई भाई नहीं दिया। सो थैंक यू भैया। मैं और सुधीर दिल से ग्रेटफुल हैं क्योंकि हमारी शादी फिक्स हो चुकी है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हमारी सगाई टूट चुकी थी, जिसके बाद मैं भी टूट गई थी। बिकॉज ये मिसअंडरस्टैंडिंग मैं शेयर नहीं करना चाहती सबके साथ। बस यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो। यहाँ पे दोस्तों मैं रोकना चाहूँगा क्योंकि कृष्णा से मेरी बात हुई थी और उनकी सारी स्टोरी उन्होंने मुझे बताई थी। ये मिसअंडरस्टैंडिंग मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी लड़की के साथ ऐसी घटना घटित होना, उसके बाद स्टिल अपनी परिस्थिति में जमे रहना, प्रॉब्लम के साथ लड़ते रहना और फाइनली मंजिल तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। वो आगे लिखती हैं, सुधीर की फैमिली मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करती, बट सुधीर ने मेरा सपोर्ट ऑलवेज़ किया, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। इसलिए मैं भी सुधीर के अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी। बहुत जगह कोशिश करने के बाद भी मुझे रिजल्ट नहीं मिला कि मैं इस रिलेशनशिप को हील कैसे कर पाऊँ। बट आई नेवर गिव अप। एंड सही कहा है किसी ने, आप कोशिश करते रहो, मंजिल और रास्ते खुद आपके सामने आ जाएंगे। एंड ऐसा ही हुआ। मुझे ऋषभ सर आपका चैनल मिला और जैसे डार्क में कोई डिवाइन लाइट मिली हो ऐसा फील हुआ। 3 साल से जो शादी टूट चुकी थी वो सिर्फ 3 मंथ्स में ठीक हो गई। सारी चीज़ें मानो खुद से अलाइन हो गई। आज मुझसे ज़्यादा खुश इस वर्ल्ड में कोई नहीं होगा, क्योंकि आज मेरी सक्सेस स्टोरी मैं लिख रही हूँ। आपसे पर्सनल कोचिंग के बाद मेरी लाइफ के चेंजेस एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको, बिकॉज आई फील लाइक नाउ आई एम कम्प्लीटली अ न्यू पर्सन। थैंक यू सो मच माई बिग ब्रदर। थैंक यू सो मच ऋषभ भैया। दोस्तों आज की सक्सेस स्टोरी में प्रॉब्लम का ज़्यादा जिक्र नहीं है, क्योंकि कृष्णा जो प्रॉब्लम से पीड़ित थी, जैसे मैंने कहा कि आई विश कि मैं आपसे शेयर कर पाऊँ, लेकिन ये शेयर करने लायक चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोगों को मेरा इशारा समझ में आ रहा होगा। आप समझ जाइए कि ऐसी क्या परिस्थिति हो सकती है, और ख़ास करके ये परिस्थिति ऐसी थी कि आप मेंटली टूट जाते हो। मेंटली टूटने के बाद इस चीज़ पर टिके रहना कि नहीं मैं मंजिल तक पहुँचूँगा, मुझे बिलीव है, ये करना बहुत ही कठिन है, जिसके लिए कृष्णा मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। नमन करता हूँ आपको। शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपका जीवन खुश नहीं खुशहाल रहे, बेहतर नहीं खूबसूरत बने। ईश्वर आपको सारी खुशियाँ दे। और रही बात मेरा इसमें कोई हाथ कोई तात्पर्य नहीं, ये सारी करामात उस ईश्वर की है, आपके विश्वास की और सबसे बड़े अफर्मेशन की है, गुरु मंत्र की है, जो है नेवर गिव अप। आज के वीडियो से आपको इतना ही सिखाना चाहूँगा मेरे सारे शिष्यों, स्टूडेंट्स, मेरे भाई मेरी बहन, कि इस मंत्र को रट लो, नेवर गिव अप। जो गिव अप नहीं करता वो मंजिल तक पहुँच कर ही रहता है, क्योंकि गिव अप कर दिया तो भैया बात ही खत्म हो गई, दास्तान ही यहाँ पे समाप्त हो जाती है। तो बस मन में उठा लीजिए विश्वास, डाल लीजिए इस विश्वास को, दैट आई विल नेवर गिव अप। और आप भी आपकी सक्सेस स्टोरी एक दिन ज़रूर शेयर करेंगे, ये आपके गुरु का विश्वास है। जय हिंद, जय भारत और जय श्री कृष्ण।